सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा रिवॉर्ड रहेगा और कैसे आएगा। साथ में आप लोग को OB43 अपडेट के बाद कौन सा गोल्ड रॉयल देखने के लिए मिलेगा और वेपन रॉयल के आने वाले इनका थोड़ा सा प्रिडिक्शन अपडेट देने वाला हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे इसकी वीडियो थीम पे एक नया सा मोको स्टोर इवेंट आएगा, तो उसके बारे में आप लोग को प्रॉपर लीक एंड अपडेट मिलेगा। और गाइस, यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट इमोट पार्टी इवेंट कब और कौन सा इमोट देखने के लिए मिलेगा इनके बारे में भी कुछ न्यूज मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर आज के वीडियो के अंदर आप लोग को अपकमिंग बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट न्यूज मिल जाएगा। सो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट रिंग इवेंट को लेकर। तो आप लोग को आयरन रेप नाम का यहाँ पे नया रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को सेम टू सेम ऐसा ही एक रिंग इवेंट देखने को मिल जाएगा 13 जनवरी को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर सर्वर पे। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड वगैरह देख पा रहे हो सेम टू सेम रहेगा। एंड यहाँ पे आप लोग रेप स्केटर मेल बंडल मिलेगा। ये वाला बंडल गाइस बहुत ही पुराना है एंड बहुत लोगों के पास ऑलरेडी होगा, मेरे पास तो नहीं है, तो इसको निकलने का भी एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। साथ में यहाँ पे आयरन ब्लेड जो बंडल देख पा रहे हो गाइस, ये बंडल भी यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये बंडल पहले मैजिक क्यूब में भी दिया गया था। आप लोग कॉमेंट करके बताना गाइस, क्या ये वाला बंडल मैजिक क्यूब में आया था कभी। और इन सब बंडल के साथ आप लोग कोई भी वेपन स्किन मिल सकता है, नहीं तो आप लोग को इनका फीमेल बंडल भी यहाँ पे मिल सकता है। बट आप लोग को यहाँ पे यूनिवर्सल टोकन का एक्सचेंज देखने के लिए मिलेगा। तो 200 या 150 का टोकन की एक्सचेंज रेट रहने वाला है। तो 13 जनवरी को इंडिया बांग्लादेश सिंगापुर कंट्री के लिए ये नया सा रिंग इवेंट आएगा, जिसका नाम होगा आयरन रेप रिंग। तो कौन कौन यहाँ पे स्पिन करने वाले गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी गाइस मैं आप लोग कुछ रेयर आइटम का रिव्यू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वैलेंटाइन स्पेशल एक नया सा इमोट देख पा रहे हो, जो गाइस एक ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर है। तो ऐसे कुछ रील वगैरह पहले चलता था, मतलब ऐसे एडजस्ट करते थे, कोई हाथ ऐसे उठाता था, तो जो लोग कपल्स लोग के गए वही लोग ऐसे रील बनाते थे। तो उसी रील के बेसिस यहाँ पे अभी नया इमोट आएगा। एंड यहाँ पे एक बैक पैक देख पा रहे हो, जो गाइस अप्रैल महीने की बुया पास में आएगा, जो ड्रैगन जैसा देखने में है। तो यहाँ पे लेवल 1 से लेकर 3 तक आप लोग इसका रिव्यू देख लो। और इसी बुया पास के फ्री का भी बैक पैक आप लोग को मिलेगा, जो देखने में कुछ इस टाइप का होगा। तो अप्रैल महीने को आप लोग की वाला बैक पैक सभी लोग को फ्री में मिलने वाला है, बस मिशन कम्प्लीट करना होगा। और यहाँ पे मार्च महीने का जो बुया पास आने वाला है, उसका बैक पैक देखने में कुछ इस टाइप का होगा। एंड लेवल 1 पे भाई एकदम से छोटा मेंढक बन जाता है। बहुत ही अच्छे खासे एक बैक पैक को डिजाइन किया गया, जो मार्च महीने को आप लोग को बुया पास में मिलेगा। तो कैसे लगे वाला मेंढक बैक पैक आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे देख पा रहे हो फेब्रुवरी महीने का बैक पैक, भाई क्या ही लग रहा है, पीछे से दो हाथ निकला हुआ है। लेवल 3 पे बहुत ही लाइटिंग ग्लो आ जाता है, मतलब जो डीमन या शैतान होता है ना, उसी की तरह इस बैक पैक को बनाया गया है। और यहाँ पे FFML नाम का एक टूर्नामेंट होगा, तो उस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग इस बैक पैक को डिजाइन किया गया है, जो शायद से बाहर के सर्वर के लिए बनाया गया है, तो हम लोगों को भी शायद नहीं मिलेगा। अगर ये वाला टूर्नामेंट हमारे यहाँ पे भी होता है तो हम लोग को जरूर मिलेगा। बाय द वे गाइस, आप लोग क्या एक छोटू सा फोटो देख लो, क्या लगता है किस चीज का है, आप लोग कॉमेंट करके बताना। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सरप्राइज आने वाला है। और गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो होगा नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट को लेकर। तो गाइस यहाँ पे इसकी वीडियो टॉयलेट गेम के ऊपर बेसिस करके एक जो इमोट बनाया गया था, उस इमोट को यहाँ पे मोको स्टोर इवेंट पे दिया जा सकता है। अभी मोको स्टोर इवेंट कॉन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन इमोट जल्दी आ जाएगा। तो अभी तो हमारा सीजन ऐसा ही चलता है, हर महीने को एक ना एक मोको स्टोर इवेंट देखने को मिलता है। तो पॉसिबल है कि इस पर आप लोग को इसकी वीडियो टॉयलेट गेम के जो इमोट है, इसी के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा आइटम को रखा जाएगा। तो इन सब आइटम के साथ आप लोग को नेक्स्ट मोको स्टोर इवेंट देखने को मिलेगा। वैसे इमोट तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोग को इस इमोट के थीम पे एक नया गेम मोड भी देखने के मिलेगा, जो क्रापलैंड मैप पे होगा। जब कोलैबोरेशन स्टार्ट होगा गाइस, तभी गाइस आप लोग को ये वाला नया गेम मोड देखने के लिए मिलेगा, जो क्रापलैंड में आने वाला है। तो यहाँ पे इस वाले गेम मोड में आप लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब लोग को ऐसे टॉयलेट बना देगा। देन गाइस आप लोग को इनिमी को मारना होगा, जिसको मारते गाइस आप लोग व्हाइट कलर से यहाँ पे गोल्डन कलर पे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बहुत ही अच्छे खासे गेम मोड को लाया जाएगा। तो ये कोलैबोरेशन जब स्टार्ट होगा इंडिया बांग्लादेश सर पे, तभी जाके आप लोग के गेम मोड भी मिलने वाला है। तो तैयार रहना इसको खेलने के लिए। अभी गाइस मैं आप लोग कुछ अनोखे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो शायद से आप लोग के आईटी में भी आ सकते हैं, जो बेसिकली एक हाइड आउट इवेंट को लेकर है। तो ये जो हाइड आउट इवेंट है गाइस, बहुत ही कम लोगों के आईडी पे आ रहा है। तो यहाँ पे बैनर पे देख पा रहे हो बहुत सारे लेजेंडरी टाइप के बंडल्स, गन स्किन वगैरह है। लेकिन इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो लोग लकी बंदे हैं उनके आईडी पे कोई एक ही रेयर बंडल यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो इस हाइड आउट इवेंट के अंदर आप लोग को इवो गन्स के बहुत सारे टोकन, साथ में बंडल वगैरह भी मिल सकता है। बट ये जो हाइड आउट इवेंट है गाइस, सभी आईडी के लिए अभी तक नहीं आया। कुछ रेयर
आईडी पे अब ये मिलने वाला है। तो क्या लगते गाइस, आप लोग के आईडी में अगर ऐसे टाइप के कुछ बंडल साथ में टोकन वगैरह आ जाता है और बहुत ही सस्ते में आप लोग को मिल जाता, तो आप लोग का रिएक्शन कैसा होगा? तो जी हाँ गैस, ऐसा ही कुछ रिएक्शन आप लोग का होने वाला है, लेकिन गैस बहुत ही कम चांसेस है कि आपके आईडी पे हाइडआउट इवेंट आ जाए। बस वेट करो, क्या पता अगले अपडेट तक सभी लोग के आईडी पे धीरे धीरे करके हाइडआउट इवेंट आ जाए। एंड गैस बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो होने वाले गैस हमारा नेक्स्ट गोल्ड ट्रायल और वेपन ट्रायल को लेकर। तो अभी जो आप लोग यहाँ पे बंडल देख पा रहे हो जिसका नाम है स्लिक बैंडिट बंडल, तो पॉसिबल है कि आप लोग को नेक्स्ट गोल्ड ट्रायल पे ये बंडल देखने को मिल सकता है। 100% कन्फर्म नहीं है, पहले बता दूं ये प्रिडिक्शन अपडेट है, क्योंकि अभी तक गैस कोई कन्फर्मेशन अपडेट नहीं मिला। ओबी 43 अपडेट आने के कुछ दिन पहले गैस कॉन्फर्मेशन बैनर मिल जाएगा, लगभग 6 दिन पहले। तो अभी आप लोग प्रेडिक्शन जान लो कि यहाँ पे गोल्ड ट्रायल पे ये वाला बंडल आ सकता है, नहीं तो कैसे दूसरा बंडल आप लोग देख पा रहे जिसका नाम है अर्बन कॉन्ट्रास्ट बंडल। तो हमारे गेम के अंदर ये सब बंडल अभी भी पेंडिंग पे है। तो ओबी 43 अपडेट के बाद आप लोग को नेक्स्ट गोल्ड ट्रायल पे एक मेल का बंडल मिलेगा, लेकिन अब ये स्लेक बंडल नहीं तो अर्बन कॉन्ट्रास्ट बंडल आ सकता है। तो वेट करो बस और कुछ दिन, फिर मैं आप लोग को कॉन्फर्मेशन बैनर के साथ पूरा रिव्यू करके दिखाऊंगा कौन सा आने वाला है। जो भी आएगा अच्छा आएगा। एंड गाइस बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल को लेकर, तो आप लोगों को नेक्स्ट वेपन रॉयल पे ये फायरी रश नाम का M82B का स्किन देखने को मिल सकता है। तो ये भी कॉन्फर्म नहीं है क्योंकि ये प्रेडिक्शन अपडेट बताया गया है। तो एज पर लीक गाइस आप लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट गन का स्किन और M82B का स्किन मिल सकता है। अभी गाइस जब तक कोई कॉन्फर्मेशन बैनर नहीं मिलता है मैं तो आप लोगों को कभी भी कॉन्फर्म करके नहीं बताता हूँ, बट आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि कैसा क्या आने वाला है, तो मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन अपडेट बताया। बस और 6 दिन वेट करो, उसके बाद आप लोगों को कॉन्फर्म करके बता दूंगा क्या कुछ आने वाला है। एंड कैसे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो का इमोट पार्टी या इमोट कैप्सूल इवेंट को लेकर। तो आप लोग को इसी महीने की 25 या 26 तारीख को इमोट पार्टी नहीं तो इमोट कैप्सूल इवेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इस इवेंट में कौन कौन सा इमोट रहेगा उनका मैं आप लोगों को फोटोज दिखाने वाला हूं। तो इनमें से गाइस 2 इमोट श्योर रहेगा। तो यहां पे एक वोटिंग सिस्टम आया था, उसमें लोल इमोट के बारे में पूछा गया था क्या यह आने वाला है। इसके बाद गाइस जो डॉगी इमोट डांस वाला है इस इमोट को भी रखा गया था, और गाइस इस वोटिंग के अंदर इस थ्रोन इमोट को भी रखा गया था। तो जिस इमोट पे सबसे ज्यादा वोट आएगा उस इमोट को यहाँ पे इमोट पार्टी नहीं तो इमोट कैप्सूल इवेंट के दौरान रिटर्न किया जाएगा। खास करके यहाँ पे जो प्रपोज करने वाला जो लव इमोट है गाइस इसको भी रखा गया है। साथ में यहाँ पे जो आई हार्ट यू वाला जो इमोट है गाइस इसको भी इस वोटिंग में रखा गया। साथ में आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग पायरेट फ्लैग भी यहाँ पे रहने वाला है, और यहाँ पे गाइस आप लोगों को घोस्ट फ्लोट इमोट भी देखने को मिल सकता है, और साथ में यहाँ पे पोसेस वाला जो इमोट है ये सब वोटिंग में रखा गया है। तो कुल मिला के मैंने जो अभी आप लोगों को इमोट दिखाया गाइस इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग जिसमें आएगा उस इमोट को रिटर्न किया जाएगा इमोट पार्टी नहीं तो इमोट कैप्सूल इवेंट के अंदर। तो जनवरी के लास्ट हफ्ते को नहीं तो फरवरी के शुरू में आप लोगों को इमोट कैप्सूल नहीं तो इमोट पार्टी इवेंट देखने को मिलेगा। तो इनमें से गाइस आपका फेवरेट इमोट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो का स्टोर अपडेट को लेकर। तो ऑलरेडी गाइस आज रात 4 बजे के बाद गेम के अंदर ये वाला स्टोर अपडेट हो गया है, जहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे खासे बंडल और जैकेट वगैरह भी मिला है। तो अभी गाइस न्यू ईयर स्पेशल न्यू स्टोर अपडेट हुआ है, तो न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट आने का भी चांसेस बन रहा है। तो ये जो बंडल वगैरह आप लोगों ने देखा इनमें अभी 50% तक डिस्काउंट बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा। न्यू ईयर स्पेशल न्यू डिस्काउंट भी आने वाला है, तो अपना अपना डायमंड तैयार रखना अगर यहाँ से कुछ परचेस करना चाहते हो, क्योंकि गाइस अभी आप लोगों को बैक टू बैक इवेंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छे खासे रिवॉर्ड भी आप लोगों को मिलेगा। और गाइस अगर आप लोग गेम भी बहुत ही सस्ते में वीकली मंथली परचेस करना चाहते हो तो गाइस आप लोग एसटी गेम शॉप से परचेस कर सकते हो। 100% रियल एंड सेफ एप्लीकेशन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जरूर कर लेना, आप लोगों को डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और गाइस अपने ही गेम शॉप है तो आप लोग को अच्छे खासे डिस्काउंट तो जरूर मिलेगा। और गाइस बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो होगा प्रोफाइल बैनर और अवतार को लेकर। तो इवो बंडल के रिगार्डिंग यहाँ पे क्रॉसफायर बैनर और अवतार को डिजाइन किया गया था, लेकिन गाइस सब रिंग इवेंट पे आने वाला था और यहाँ पे सबको नहीं दिया गया है। तो गाइस पॉसिबल है कि आप लोग को बहुत ही जल्दी इनका कोई ना कोई इवेंट देखने को मिल सकता है, मतलब इन सब आइटम को कोई दूसरे इवेंट पे चिपका के आप लोग को दिया जाएगा, जहाँ पे एक्सचेंज रिवॉर्ड के हिसाब से आने वाला है। अभी कुछ दिन वेट करो, बहुत सारे अपडेट आने वाले, एक एक करके मैं आप लोग को उनके बारे में सबसे पहले बता दूंगा। तो कुल मिला के गाइस इतना हमारा आज का अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।